बढ़िया, खूब बढ़िया लग रहा हो। श्रवण बेटा ले आयो, हर की पैड़ी पसंद हवा का दोबारा ले आयो। सीधा कांवड़ियों से ही बात करेंगे कि किस तरीके से ये हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ गंगा जल लेके जाएंगे, और जो अपने माता पिता को इस कांवड़ के साथ लाए हैं, कहाँ पर ये अपने माता पिता के साथ जाकर जल चढ़ाएंगे। हमारे साथ भोले, भोले क्या नाम है आपका? विजय गुजर। अच्छा भोले, कहाँ से आए हैं आप? भोले हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए, जिला डाकखाना हमारा सिकंदराबाद है, गाँव मेरा शेरपुरा। अच्छा भोले, कहाँ जाएंगे, कहाँ से जल उठाया है और आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, माता पिता को साथ लेके जा रहे हैं, यह कहाँ से आपको जो है सोचा कि माता पिता को जो है कांवड़ लेके जाए? भोले मैंने हर की पैड़ी से जल उठाया है, माता पिता माता को और भाई को नहाया, मैंने वहाँ से मैंने कांवड़ उठाई है। भोले डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर मुझे जाना है, पैदल यात्रा करनी है। भोले तहसील मेरा सिकंदराबाद है, गाँव मेरा शेरपुरा। भोले वहाँ पर हम जाएंगे ऐसे बेहतर। अरे क्या लगता है, मतलब इस तरह के कांवड़ आप लेकर आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भोले ये मेरी दूसरी कांवड़ है, मैं पहले भी ले गया था फागुन में, अभी 5-6 महीने हुए हैं अभी। भोले जब मैं पहली बार आया था तो मैंने एक हरियाणा का लड़का देखा था, तो वो ऐसे ही अपने माता पिता को नहा के ले जा रहा था, तो भोले मुझ में भी फिर जुनून जागा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूँ। अच्छा फिर आप अपने माता पिता को जो है इस कांवड़ के साथ लेके जाएंगे? हाँ भोले, ये माताजी और वो बड़ा भाई है जी पीछे। अच्छा भाई हैं आपके, आप पिताजी नहीं, माताजी हैं और भाई हैं जी, भाई जो विकलम पे थोड़े भाई। अच्छा बड़े, तो दोनों को लेकर जाएंगे, कहाँ जल चढ़ाएंगे? भोले भोले अपने गांव में ही चढ़ाएंगे। कौन सा गांव है आपका? भोले गांव शेरपुर है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील मेरा सिकंदराबाद, गाँव मेरा शेरपुर। हम माताजी से ही बात करेंगे, माताजी को कैसा फील दे रहा है? हमारे साथ माताजी हैं, देख सकते हैं आप जो है माताजी बैठी हुई हैं, बड़े भाई हैं भोले के, वे भी बैठे हुए हैं। माताजी से हम बात करते हैं। माताजी जी, माताजी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा हो, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया लग रहा हो। श्रवण बेटा ले आयो, हर की पैड़ी पसंद हवा का दोबारा ले आयो। यानी मानते हैं कि श्रवण आपका बेटा है, अपने बेटे को श्रवण मानते हैं माताजी? श्रवण बेटा ले आयो जी, पहले भी ऐसे ही ले आयो और अब कभी श्रवण बेटा हर की पैड़ी पसंद नहा के कंधा पर ले आओ। बड़े भाई है माता, बड़े भाई भी हैं इनके, माता जी भी हैं, बड़े भाई भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर। अरे कैसा लग रहा है आपके छोटे भाई जो है आपको कांवड़ यात्रा करा रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी कि छोटा भाई मुझे और माता को नहला के ला रहा कंधे पर। आज का कलयुग ऐसा है कि भाई भाई को नहीं चाहता जी, और मेरा भाई श्रवण कुमार ही समझो जो कंधा पर बैठा कर ला रहे हैं हमको, माता को और भाई को। अच्छा भोले, कितने दिन आपको जो है हर की पैड़ी से चले हुए हो गए और कितने दिन तक आप अपने जो है गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? सब ये जी 11 तारीख में शाम को उठाया था जल 7 बजे करीब, और हमको 25 तारीख तक पहुंचना है अपने गांव में जी। तो क्या कहेंगे अपने भाई के लिए भोले? भाई बहुत बढ़िया है हमारे, हम तो ये कहते हैं भोले कि जैसे हमारे भाई है ऐसी सबके भाई अपने माँ बापों की और भाइयों की सेवा करें। अच्छा भोले, एक दिन में जो है कितना सफ़र आप तय करते हैं? भोले 20-22 किलोमीटर। अच्छा 20-22 किलोमीटर करते हैं? हाँ भोले। अच्छा कैसा फील दे रहा है जनपद वासियों को, मुजफ्फरनगर वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? भोले मैं ये देना चाहूँगा जो मैं कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही करें, ऐसे करने पर भोले प्यार बढ़ता है, क्योंकि मैं जब पहली कांवड़ ले गया था भोले तो मेरे गाँव में बहुत प्यार बढ़ा था शेरपुर गाँव में भोले। एक मुजफ्फरनगर में भोले आपने एंट्री की, क्या कोई असुविधा आपको लगी कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो है कांवड़ियों के लिए सुविधा नहीं, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला है? नहीं भोले, अच्छी सुविधा मिली हमको। अच्छा ऐसी सुविधा मुजफ्फरनगर में मिली है? हाँ जी भोले। अरे भोले कहाँ जल चढ़ाएंगे, माता पिता माता और भाई आपके साथ हैं, कहाँ माता जी को लेकर और भाई को लेकर कहाँ जल चढ़ाएंगे, किस समय तक और आप पहुँचाएंगे? भोले डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर हमें जाना है, तहसील मेरा सिकंदराबाद है भोले, गांव मेरा शेरपुर, वहाँ हमें जल चढ़ाना है मंदिर पे। बुलंदशहर जाएंगे? हाँ जी भोले, 25 तारीख को हमें जल चढ़ाना है, 25 में पहुँचना। ये हमारे साथ जो है श्रवण कांवड़ जो है लेके चले हैं, जिसमें इन्होंने अपनी माता जी को और भाई को बैठाया हुआ है, और लगभग 25 तारीख तक जो है अपने शहर बुलंदशहर ये कांवड़िए पहुँचेंगे और वहीं पर जो है शिव को जल चढ़ाएंगे। अपने सहयोगी नीरज के साथ मनमोहन कुमार, हेडलाइंस इंडिया, मुजफ्फरनगर।